असल में उस वक्त वो बड़ा होता है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। पीडीएम क़यादत का अहम इजलास, इस्तीफे नहीं मार्च होगा, और इस्तीफ़ों का मामला सेनेट इंतखाबात के बाद तक मौखर कर लिया गया है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि तहरीक अदम एतमाद लेकर आई थी, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से पीडीएम की बाकी क़यादत को कायल करने में नाकाम रही। और दूसरी तरफ कुमत महालफ तहरीक पूरी कुवत इस्तेमाल करेंगे नवाज शरीफ की मौलाना को यकीन दहानी, लेकिन ये यकीन दहानियां इससे पहले भी कराई गई थी 2019 में, जब मौलाना फजल रहमान ने मार्च किया था, तो उस वक्त भी मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मौलाना साहब के साथ हाथ कर दिया था। और यही वो तहफ़ुज़ात हैं जो मौलाना फजल रहमान ने आज के इजलास में भी सामने रखे, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून बिल्कुल ऐन वक्त पे धोखा दे देते हैं, एतमाद की कमी है और कोऑर्डिनेशन की भी कमी देखने में आई आज के इजलास में। ये तमाम चीज़ें डिस्कस हुई, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चूँकि कहा था कि हम तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे, उस पर अपोजिशन की बाकी जमातों को तहफ़ुज़ात हैं, वो ये कह रहे हैं कि नंबर गेम्स कैसे हम पूरे करेंगे और हमारे पास क्या वाकई में ये नंबर्स हैं, अगर नंबर हैं तो इन नंबर्स को हमारे सामने रखा जाए। दूसरी तरफ सेनेट इंतखाबात के हवाले से मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हुक्मरान जमात के मेम्बरान को अपनी पार्टी पर ही अपनी पार्टी के जो मेम्बरान हैं उन पर ही भरोसा नहीं है। और पिछले इलेक्शंस में चूंकि इन्होंने सेनेट इंतखाबात के अंदर हॉर्स ट्रेडिंग की थी, और यही वो ख़तरा है इनको इस दफ़ा भी। इस पर बात करेंगे और आज के इजलास की अंदर की कहानी जानेंगे। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है असमा वदूद साहिबा ने, सीनियर तजियाकार हैं और इनसाइट्स रखती हैं, और ख़ास तौर पे इस्लामाबाद में जो चूँकि दारुल हुकूमत है और वहाँ पर क्या हो रहा है, इस इजलास की अंदर की क्या कहानी है, और वो इस इजलास को किस तरह देखती हैं। इस इजलास में चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बैकफुट पे नज़र आई, मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि हम मार्च की तरफ बढ़ेंगे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मार्च की मुखालफत कर रही है, और वो ये चाहती है कि तहरीक एतमाद लेकर आएँ, लेकिन वो तमाम पीडीएम की जो 11 जमातें हैं उनका एतमाद हासिल करने में अब तक नाकाम रही है। बहुत शुक्रिया असमा वदूद, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, आप के तजिए हम देखते हैं सुनते हैं, किस तरह देख रही हैं आज के इस इजलास को, चूंकि हम देख रहे हैं कि जो पीजीएम के जो लोग हैं, पीडीएम की जो 11 जमातें हैं, वो एक दूसरे पर एतमाद करने में अभी भी हिचकिचाहट का, हेजिटेशन का शिकार हो रही हैं, क्या वजह है? बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया, हमेशा इट इज़ एन ऑनर फॉर मी टू बी इन योर प्रोग्राम। देखिए, बेसिकली ये पार्टियाँ बहुत ही मुख्तलिफ विजन्स रखती हैं और उनकी एक हिस्ट्री है, आप उस हिस्ट्री से उस हिस्ट्री को इग्नोर नहीं कर सकते जी। और वो एक हमारी पॉलिटिकल सेटअप ऐसा है कि वो हिस्ट्री काफी बिटर रही है। आप अपने मफादात की वजह से, जो कि मफादात भी मुख्तलिफ हैं, इनके बेसिकली गोल्स भी एक नहीं है, ना एक जगह ये पहुंचना चाहते हैं, ना ये अपनी मुखालफत को असाइड रख के कोई बहुत फोर्सफुल अपोजिशन बनाना चाहते हैं, तो उस लिहाज से ये एक पॉइंट पे नहीं आ सक रहे। देखिए, मुद्दा बहुत सिंपल है, इस वक्त जो पीपल पार्टी है वो अपने महफूज किले में है, वो वहां से नहीं निकलना चाहेगी किसी भी सूरत। अगर सेनेट के इलेक्शन के हवाले से ये इस्तीफे पहले भी हो जाते तो जो इलेक्टोरल कॉलेज हिट होता वो बेसिकली सिंध ही होता, तो वो एक बहुत बड़ी कुर्बानी आप पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, पीपल पार्टी से एक्सपेक्ट कर रहे थे। और जो विजडम है आपका, जरदारी साहब का, वो यकीनन उसके पूरे कैनवस को भांप गए थे कि भाई इससे क्या इफेक्ट आपकी पीपल पार्टी पे आएगा। दूसरी बात ये है कि नून लीग ने ग्रेजुअली अपना ग्राउंड में, अपनी लोगों में अपनी पॉपुलैरिटी लूज की है। आप सोशल मीडिया को अगर साइड रखें ना, क्योंकि वो एक अलहदा ही दुनिया है, सोशल मीडिया के हवाले से अगर ये है कि अगर आपके
एक मिलियन फॉलोअर हो और आप उस पे पोस्ट लगाएं कि मैं हीथ्रो अगले 12 घंटे में पहुंच रहा हूं, तो आपको चाहे शायद दो बंदे भी वहां रिसीव करने ना आए, जी ठीक है, तो वो एक अलहदा दुनिया। लेकिन ऑन द ग्राउंड उनके पास लोगों की अटेंशन और लोगों की कमिटमेंट बहुत कम है, इसलिए उन्हें मौलाना साहब की जरूरत थी। अब मौलाना साहब का एक अलहदा विजन है, एक अलहदा गोल है, तो ये मफादात क्या रिलेशन है, लेकिन इसमें मफादात भी मुख्तलिफ है, तो एक दूसरे को इस वजह से ट्रस्ट नहीं कर पाते। और मौलाना साहब के पास से जेन्युइन इसका एक प्रूफ आ गया ना कि पहले भी जो अभी धरना हुआ उसमें भी मौलाना साहब की सारे एफर्ट, सारे मैन पावर, सारा कुछ यूज किया गया और उसमें एडवांटेज सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मिस्टर नून लीग की तरफ हम थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं, फिर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान की तरफ भी आएंगे। अगर अभी हम देखें तो इसमें कोई शक नहीं कि सबसे ज़्यादा स्टेक जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है और मौलाना फजल रहमान के पास मैन पावर है, उनके पास स्ट्रीट पावर बहुत ज़्यादा है। अभी तक हम जितने भी जलसे देखे और इवन जो रैलीस देखी उसमें मौलाना फजल रहमान के लोगों को अगर माइनस कर दिया जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, नून दोनों जमातें मिलकर भी 10,000 तक का क्राउड भी जमा नहीं कर सके। लेकिन इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि मरियम नवाज का एक ग्रुप है और शहबाज शरीफ साहब का एक ग्रुप है, दोनों के बयानिये भी अलग अलग हैं। नवाज शरीफ और मरियम बीबी एक बयानिया लेके चल रहे हैं, चूंकि जो नवाज शरीफ का बयानिया है मरियम बीबी भी उसी को टो कर रही हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून के अंदर जो ग्रुपिंग है उस ग्रुपिंग की वजह से वो स्ट्रेंथ नहीं नज़र आ रही, वो क्राउड हमें नज़र नहीं आ रहा और उस तरह से लोग हमें नज़र नहीं आ रहे। शहबाज शरीफ चूंकि हमें आपको भी पता है कि वो पसे पर्दा उनके कुछ रबते भी चल रहे हैं, तो आप इस पूरे इस अमल को किस तरह देखती हैं, क्योंकि असल मसला यही हो रहा है। वो मौलाना फजल रहमान भी यही कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब की जो प्लानिंग है या उनका जो बयानिया है वो मरियम बीबी से डिफरेंट है, यही वो वजह है कि इजलास के अंदर भी ये चीजें डिस्कस होती हैं। देखिए नून लीग के अंदर जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो आपकी डेमोक्रेटिक पार्टी का एक खासा होता है, उसमें आपकी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती है, आप मुख्तलिफ ओपिनियंस लेके टेबल करते हैं, उसको कन्विंस करते हैं और फिर फॉलो करते हैं। लेकिन असमा बयानिया ही अलग हो, एक बिल्कुल एंटी है और एक बिल्कुल प्रो है। यहाँ पे बात मुख्तलिफ इस लिहाज से है कि एक बयानिया जो है वो पार्टी की वेरी एग्जिस्टेंस को जाके हिट कर सकता है और दूसरा बयानिया एक दरमियाना रास्ता लेने के हवाले से है। देखिए जो एक हार्ड कोर एक उन्होंने एक स्टैंड लिया ना अगेंस्ट आप आर्मी कह लें या हमारे इंस्टीट्यूशंस कह लें, एस्टेब्लिशमेंट कह लें, व्हाट एवर यू वांट, लेकिन आर्मी के अगेंस्ट उन्होंने लिया, वो एक हम पाकिस्तानी नेशन, हमें बड़े मुख्तलिफ किस्म की हमारी डायनामिक्स है, आर्मी हमारी लाइफ से अलहदा नहीं हो सकती। आप अगर सामने 1,00,000 का जलसा दे आपका पास हो रहा है, आपके पास 1,00,000 बंदा सामने खड़ा है, तो उस 1,00,000 में से 70,000-80,000 लोग ऐसे होंगे जिनके अपने घर के बच्चे उस इंस्टीट्यूशन में होंगे, तो ये चीज जहाँ पे हम इसको एक बड़े कैनवस में देखते हैं कि हमें इंटरनेशनल मसाइल का इंटरनेशनल सिनेरियोज में हमारे मसाइल है, हमारी आर्मी हमारी बैकबोन है, वहां पे दूसरी बात ये है कि हमारी आर्मी हमारी लाइफ में इनग्रेन्ड है। अभी भी अगर आप बच्चों से पूछेंगे तो 95% बच्चे कहेंगे कि हम आर्मी में जाते हैं, जी बिल्कुल, यही एक पैटर्न है। तो यहाँ पे बयानिया डिफरेंस नहीं है, एक बयानिया आपकी पार्टी की वेरी एग्जिस्टेंस, लोगों में पॉपुलैरिटी, लोगों में प्रेफरेंस, उसको हिट कर सकता है और बहुत छोटी नीश को एड्रेस करता है, बहुत छोटे लोगों की मतलब छोटे नंबर ऑफ पीपल जो कि उस बयानी को रिलेट कर सकते हैं, उसमें बात करना या उसको प्रमोट करना पसंद करते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी चंक ऑफ पॉपुलेशन है जो उससे बिल्कुल ही खुद को डिटैच करती है क्योंकि वो खुद बिल्कुल ठीक कह रही है। अच्छा इसमें असला इसको ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है, ये एक स्ट्रगल फॉर वेलबींग है। बिल्कुल सही फरमा रही हैं आप, अपनी पार्टी को बचाना चाह रहे हैं किसी तरीके से, वो एक पोजिशन रखना चाह रहे हैं मुस्तकबिल के लिए, लेकिन मरियम साहिबा का ये एक स्टांस है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, ऐसे ही उस स्ट्रगल पीरियड में। लेकिन इसमें असमा साहिबा आपने भी देखा वो उन्होंने कहा था कि लाहौर जलसा आर या पार होगा लेकिन नहीं हो सका, सेनेट इंतखाबात में नहीं जाएंगे लेकिन जा रहे हैं, ज़िमनी इंतखाबात में नहीं जाएंगे लेकिन इलेक्शन लड़े जा रहे हैं, और 31 जनवरी तक इस्तीफे आने थे नहीं आए, वज़ीर-ए-आज़म को घर भेजना था नहीं भेज सके। आपको लगता है कि पीडीएम अपना जो सही मानों में
जो मोमेंटम था वो शायद नवंबर दिसंबर में ही खो गई थी, लेकिन अब जो थोड़ा बहुत भी जो एक तासुर था वो भी ख़त्म होता नज़र आ रहा है, जो कि अभी इन्होंने ये फैसला किया है कि हम मार्च जो करेंगे वो सेनेट इंतखाबात के बाद करेंगे, इस्तीफे जो देंगे सेनेट इंतखाबात के बाद देंगे। तो आपको ये लॉजिक समझ आ रही है, चूंकि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं आप समझती हैं इन चीज़ों की टाइमिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। बिल्कुल, टाइमिंग इम्पॉर्टेंट होती है और इसके अलावा मोमेंटम इम्पॉर्टेंट होता है। बिल्कुल, मोमेंटम ये डेवलप कर ही नहीं सके। आप जब कोई चीज कमिट करते हैं ना आवाम से और आप उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ाते जाते हैं कि इस तारीखों के बाद इमरान खान की हुकूमत नहीं होगी, तो कम से कम आपने उन्हें ऑप्टिक्स ऐसे देने होते हैं कि उन्हें थोड़ा सा हौसला रहे कि जी हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो मोमेंटम बिल्ड होता है। बहुत से टाइम ऐसे अभी पिछले दिनों में जो आपने मेंशन किए वो हम जो कि एक इन इन चीजों पे नजर रखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, हम भी अपने टीवी के साथ ब्लू हुए बैठे थे कि नामालूम अभी क्या होने वाला है। बिल्कुल ऐसे ही, आप जब अपने व्यूअर की अपने लोगों की एक्सपेक्टेशन आसमान पे पहुंचा के आप उन्हें डिलीवर ना कर पाए तो ये सबसे ज्यादा फेटल चीज होती है। बिल्कुल सही कह रही है। और दूसरा, अच्छा दूसरा ये बताइएगा आप, और दूसरा जो ये सेनेट की इलेक्शन के बाद जाने की इन्होंने, इसमें लॉजिक क्या है, इसमें इनकी मजबूरी है क्योंकि ये बेसिकली अभी फिलहाल कुछ भी अपने लोगों के सामने टेबल नहीं कर सकते और इन्हें मालूम है कि अगर इस तरह का कोई एडवेंचर इन्होंने इस्तीफों के बारे में दिया तो जैसे शेख रशीद साहब कहते हैं कि वो लाखों की गेम होती है, वो जो एक सीट एमएनए लेता है। जी बिल्कुल, तो इस हवाले से दे हैव ऑप्टेड वेरी रॉन्ग। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि पीडीएम शुड सिट बैक, रीकंसीडर, रीप्लान एंड कम बैक। बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन जिस तरह मौजूदा हुकूमत वज़ीर आज़म इमरान खान भी कह चुके हैं कि हम तैयारी के साथ नहीं आ सके, हम नाकाम हुए ढाई सालों में, पीडीएम ने भी जल्दी नहीं की। एक तो एक तहरीक इन्होंने बहुत जल्दी शुरू कर दी, ये अमूमन हमने देखा है बीइंग अ पॉलिटिकल स्टूडेंट के हमें ये तहरीकें हमेशा चौथे साल में तीसरे साल के एंड पे नज़र आती हैं। इन्होंने बहुत जल्दी ये तहरीक शुरू की और वो तहरीक 3 महीने भी अपना मोमेंटम कायम नहीं रख सकी। और दूसरी बात, इनके तहफ़ुज़ात आपस के ही, चूँकि तीनों बड़ी सियासी जमातें हैं, नज़रियाती तौर पर अलग अलग हैं, एक एजेंडे पर इकट्ठी नहीं हो सकी। अब आपको लगता है कि ये चूँकि इलेक्शन तो सर पर हैं, इलेक्शन हो भी जाएंगे उसके बाद इनके पास क्या जवाब होगा, किस तरह ये अवाम को बाहर निकालेंगे, किस तरह ये एहतजाज में जाएंगे? देखिए जी, बेसिकली टाइम जो इन्होंने स्टार्ट किया मेरे ख्याल से ठीक था। आप ऐसा 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 अपनी एक शुरू करते हैं, एक तहरीक शुरू करते हैं, उसके कुछ फेजेज होते हैं, फिर वो चलता चला जाता है। जिससे इमरान खान साहब का धरना था, पहले वो जी फेज में रहा, फिर वो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के पास गए अपनी कंसर्न्स लेके, फिर वहां से नहीं बनी बात, अब ग्रेजुअली वो एक चीज लोगों की अटेंशन साथ साथ रखने, छोटे छोटे वो क्या कहते हैं टिप्पी टोज लेके वो फिर इवेंचुअली धरने में कन्वर्ट हुआ। इस तरीके से आप एक मोमेंटम बिल्ड करते हैं, आप बड़े 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 बैरियर्स अपने लिए नहीं, अपने लिए टारगेट्स वो नहीं रखते जिन्हें आप खुद ना पार कर सके। लेकिन उसमें भी अस्मा देखिए, अगर जो हम 2014 की बात करें तो खान साहब ने वो गो के वो मार्च शुरू किया था, लेकिन वो मार्च भी एंड पे हमें, आपने तो इस्लामाबाद में थी, हम भी यहाँ से देखते थे, वो मार्च इनका खास तौर पे जो धरना था वो इनके लिए भी बड़ा मुश्किल हो गया था। वो तो एक सानिया हुआ तो उसके बाद वो वाइंड अप करके ये बाहर आए, अदरवाइज उसको अगर आप मजीद अगर लंबा करते तो क्या आपके पास आखिर में तो लोग नहीं थे? देखिए उसमें सिचुएशन ऐसी थी ना कि उन्होंने उसका कैनवस थोड़ा सा बदल दिया था, सामने कितनी ऑडियंस होती है वो उस वक्त इमटीरियल रह गई थी क्योंकि वो 126 दिनों में चला गया था मामला। बिल्कुल, वो फिर अब इमरान खान साहब की नर्व्स और इमरान खान साहब की पार्टी की नर्व्स और उनकी अपनी वो एक कैपेसिटी पे आ गया था कि ये कब तक चलाया जा सकता है। सामने जितने लोग बैठे वो इरेस्पेक्टिव थे, वो अब इट वॉज द गेम ऑफ नर्व्स बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द ऑपोजिशन। वहां पे थोड़ा सी सिचुएशन मुख्तलिफ हो गई थी क्योंकि वो इस लेवल तक वो उन्होंने उसको एक चीज को ड्रैग कर लिया था। बकिया कभी भी आपके फैसले सड़कों पे नहीं हुआ करते, खान साहब को भी इवेंचुअली इस बात के साथ अकोमोडेट करना पड़ा था, वो एक दोनों तरफ से आपको एक अच्छा रूट आउट मिल गया, लेकिन कभी भी ये मामला सड़कों पर ठीक है। चूंकि मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, आखिरी पॉइंट आप समझती हैं
एक तो सेनेट इंतखाबात वक्त पे हो जाएंगे और दूसरा मौजूदा हुकूमत 5 साल पूरे करेगी और ये जमातें बेसिकली उसको सपोर्ट कर रही हैं, जो कि हमें ये मेरी ऑब्जर्वेशन हैं, आपका ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, लेकिन बाज़ाहिर तो हमें कुछ भी ऐसी कोई बात नज़र नहीं आ रही अपोजिशन की तरफ से, सिवाय ये कि महंगाई है। अगर वो हुकूमत कंट्रोल कर लेती है तो अपोजिशन के पास तो ऐसा कोई एजेंडा नहीं है कि इस हुकूमत को के लिए कोई टफ़ टाइम दे सकें, आपको क्या लगता है? देखिए जी, हुकूमत के पास बहुत अच्छा चांस है, उनके पास एक ओपन प्लेइंग फील्ड है, उनके पास कोई सामने कन्फ्रंटिंग पार्टी ऑपोजिशन नहीं है। ये एक बेसिकली एक बड़ा आइडियल सिनेरियो होता है। आपके पास एक बड़ा जबरदस्त चांस है अपनी चीजों को सही चॉक डाउन करने के लिए। बहुत से ऐसे काम वो लोग कर रहे हैं, उसको प्रॉपर मार्केट करें, लोगों को कम्युनिकेट करें। इसके अलावा थोड़ा फोकस आप अपनी, जैसे आपकी थी ना कि हम रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे, रीस्ट्रक्चरिंग में टाइम लगेगा बिल्कुल, लेकिन जब तक ये री इलेक्शन में जाएंगे उस वक्त तक इतनी चीजें, मतलब इतनी डिफरेंस आ गया होगा कि लोग को कुछ समझ आ जाएगी कि जिंदगी थोड़ी बेहतर हो रही है। सही, उस लिहाज से अभी थोड़ा सा मेरे एनालिसिस के मुताबिक ये लेट है, लेकिन उससे ज्यादा दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट व्हाट दे आर अचीविंग। आपका हेल्थ कार्ड है, आप उसको ट्रम्पेट बजाइए, लोगों को या अजबर करा दीजिए कि ठीक है, लोगों को रिलीफ देना होगा, ऐसा कहना है अस्मा बदूर का, क्योंकि अभी टाइम है, हुकूमत के पास, हुकूमत के पास ऑप्शन है कि वो थोड़ा सा अपनी कारकर्दगी को बेहतर करे, उसकी उसको मार्केट अच्छा करे, मीडिया के सामने प्रेजेंटेशन अच्छी बनाए, तो ये मौजूदा हुकूमत जो है वो इस चीज़ को का फ़ायदा उठा सकती है। और बहुत शुक्रिया अस्मा वदूद, आपने इस्लामाबाद से हमारे प्रोग्राम में वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, ये वो वक्त है कि मौजूदा हुकूमत अगर थोड़ा सा भी तवज्जो देती है महंगाई को कंट्रोल करने में और आवाम को थोड़ा सा अगर रिलीफ मिलता है, तो दूसरी कोई वजह नहीं हो सकती कि इनको अगले इलेक्शंस में भी वोट ना मिलें। और आवाम चूँकि परेशान है महंगाई से, पीडीएम का बयानिया बाज़ाहिर जो नज़र आ रहा था वो वैसा नहीं है, फेल हो चुके हैं, और हम देख रहे हैं कि इनका एतमाद एक दूसरे पे नहीं है। आज के इजलास की कहानी भी यही है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी असेंबलियों में रहकर सियासत करना चाह रही थी, इन हाउस तब्दीली लाना चाह रही थी, लेकिन उस तब्दीली के ऊपर ना तो फजल रहमान तैयार हैं और ना ही मुस्लिम लीग नून, चूँकि नंबर गेम्स पूरे नहीं हैं। इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कमर्शियल ब्रेक।